क्या क्या यूं ही ये ख्याल आया क्या यार नाच सुन ली अब क्या होगा अल्लाह का क्या जवाब होगा हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा दिल में मैं नहीं आया क्यों गुनाह थोड़ी बड़ी नाते सुन ली तो गुनाह तो नहीं किया ये ख्याल कैसे आ सकता है अल्लाह को क्या मुंह कभी गाना सुनते हो क्या देख देख कुछ सोचा उस वक्त आता है अल्लाह करे आता हो आपके भी दिल में आता हो मेरे दिल में कैसा आता हो सोचो सोचो ना कहानी सुनोगे हुजूर का सुनोगे बरकतें मिलेंगी रूहानियत बढ़ेगी हुजूर का इश्क बढ़ेगा अल्लाह की रहमतें मिलेंगी और अगर गाने सुनते रहे अल्लाह हमारी बेहयाई की हद तो देखो क्या हुआ कि हम मुसलमान हैं हमारे घर में कुरान है अल्लाह पर ईमान सरकार का जान कुर्बान यही नारे यही ना नारे हमारे और हमारे घरों के अंदर तवाइफ में आने कपड़े उतार कर बिल्कुल नीम उरियां उरियां ही है सारा और तुम्हारे घरों के अंदर तबाही है टीवी चल रही है और हम बड़े बड़े शोक से देख रहे हैं सामने गुंबद की तस्वीर लगी हुई है आयत कुछ लगी हुई है इधर दिल भी लगा हुआ है और गाने बज रहे हैं नाच हो रहा है हमारी बेहयाई की हद देखो कि हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं बल्कि इससे बड़ी बेहयाई और है हम मुसलमानों के घरों के अंदर मंदिर आ जाते हम मुसलमानों के घरों के अंदर हिंदुओं की मूर्तियां आ गई हिंदुओं के मंदिर की घंटियां आ गई ऐ मुसलमान तुझे क्या हो गया तू क्यों नहीं सोचता क्या अल्लाह राजी है क्या अल्लाह के महबूब राजी है अपनी दूसरी नात के अंदर मैंने एक शेर पढ़ा था वो शेर पे तुझे दिया कि दिन लहर में कोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शर्मे नबी होते खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं क्या था ना खौफ जो होता ना खौफ मालिक से होता है और शर्म महबूब से होती है हमें अल्लाह का खौफ नहीं हमें हुजूर की शर्म नहीं फिर हम शिकायत करते हैं हमारे मुल्क की हालत बहुत खराब हो गई डकैतियां हो गई राजधानियां बढ़ गई दहशतगर्दियां बढ़ गई क्या होगा कभी खुद को देखा कभी अपने गरीबान में झांक कर देखा कि हमारे अमाल कैसे थे क्या ये हमारी शामत अमाल नहीं है जो कुछ हो रहा है जो कुछ नजर आ रहा है ये क्या हमारी शामत अमल नहीं क्या हमने अल्लाह को राजी किया क्या उसके रसूल को राजी किया अल्लाह और रसूल को नाराज कर दिया तो क्या अब यही होगा फिर कहते हैं हालात ऐसे हो गए मुसलमानों को साथ हो गया मुसलमानों को साथ हो गया मुसलमान को क्या होगा जरा सोचो गौर करो और कदम बढ़ाओ कदम उठाओ अपने घरों से इन तबाही को निकालो इन चैनल्स को निकालो अच्छे चैनल्स देखो इस्लामी चैनल्स देखो अच्छी चाबारी सुनो देखो अपने बच्चों को सिखाओ खुदा के वास्ते अपने घरों से ये बेहूदगी को दूर करो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर कदम बढ़ाएं अपने घरों को कम से कम अपने घरों को तो पाक करें थोड़ी लड़ाई होगी थोड़ा झगड़ा होगा क्या होगा दो चार दिन होगा ना बस कदम बात कुछ भी नहीं होगा हिम्मत कर और अपने घरों से इस किस्म के चैलेंज को निकाल कर और अपने घरों में अल्लाह की रहमत को दावत दो अल्लाह के महबूब की रहमत को दावत दो और याद रखना कि रहमतें वही आती हैं जहां पाक चीजें होती हैं ना पाक जगह पर रहमत नहीं आती तो कोशिश करें अपने आप को भी बचाएं अपने अब आपको भी बचाएं क्या अल्लाह का करम है हमारे हाल में गर्म कर अपने अपने महबूब को सबसे करम कर